नमस्कार, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं खास खबर पर नजर। इछोड़ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अजीम सूफी संत हजरत परदेसी वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उर्स में मशहूर कब्बाल अब्दुल हबीब अजमेरी ने अपनी मशहूर कब्बाली अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा से समा बांधा। इस दौरान ग्वालियर शहर से सभी धर्मों के धर्मगुरु, राजनेता और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत कर हाजिरी दी। उर्स मुबारक मौके पर पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने एकता का संदेश दिया और विधायक सुरेश राजे ने दरगाह के विकास कार्य के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं भाजपा नेता मध्य प्रदेश के बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने भी एकता का संदेश दिया। भाजपा नेत्री इमरती देवी ने भी 5100 रुपए दरगाह के विकास कार्य के लिए दी और भाजपा नेता सादिक खान मेव शाह ने भी शिरकत कर दरगाह के विकास कार्य के लिए चढ़ावा चढ़ाया। उर्स के समापन के अवसर पर दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड ग्वालियर के अध्यक्ष तहसीन आसिफ पठान सहित पूरी टीम एवं एसआर पत्रिका के प्रधान संपादक शाहनवाज खान, ऑल इंडिया मेव सभा के प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान मेव का इस्तकबाल किया। इस पूरे आयोजन में लगभग 20,000 से ज्यादा भक्तों ने शिरकत की। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष कल्लू खान एवं उनकी टीम ने बेहतर इंतजाम किए, जिसके लिए सभी प्रबुद्ध नागरिक और राजनेताओं ने दरगाह कमेटी की टीम को धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं उसे मुबारक मौके की झलकियां। आप हमेशा हम और हमारा विधायक आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इसी अवसर पर मैं अपनी ओर से परदेसी वली बाबा के मजार पर आपने ज़ियारत की है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? परदेसी वली बाबा की हम सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता में आशीर्वाद रहे, इस क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे और बाबा से दुआ करेंगे कि इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी वो अपना आशीर्वाद जिस तरह बनाए रखा है आगे बनाए रखें। इस क्षेत्र में इस संभाग मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, उन सबका भी जो है मैं इस्तकबाल करता हूं और अपनी ओर से हमारे विधायक भाई सुरेश राजी ने इस बलि बादशाह की दरगाह पे 10 लाख रुपए का कार्य कराने की घोषणा की है, उसको उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। विधायक जी, देखिए मेरे पे ये बाबा का बड़ा कर्म है, मेरे बड़ी कृपा रही है। जब मैं विधायक नहीं था तब भी दुआ मांगने आता था, तब भी बाबा ने मेरी सुनी और इससे पहले भी मैं जो है ना ये मन में करता था कि बाबा इस लायक मैं अभी दूसरों से कहता हूँ कि आप फंड दे दो, तो उस समय भी बाबा की कृपा से वो फंड मिलता था, लेकिन मैं मन में करता था कि बाबा इस लायक कभी मुझे करना कि मैं भी अपने उससे कुछ कर सकूं। तो बाबा के आशीर्वाद से इस लायक हुए। हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं और इन सब का आशीर्वाद, पूरे जो टीम हमारी पार्टी की बैठी है, इन सब की दुआओं के कारण आज मैं यहाँ हूँ। इसलिए ये आज जो 10 लाख रुपए की घोषणा की है तो ये बाबा के नेक काम में यहाँ जो दरगाह पे लगे और बस सुख समृद्धि हमारे क्षेत्र में बनी रहे। बाबा का जो कर्म है हमारी पूरी जनता जनार्दन पर, हम पर, प्रदेश पर, देश पर बना रहे, यही दुआ मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के दरबार में आया हूँ। हर साल बहुत बड़ा उर्स यहाँ होता है, पूरे देश प्रदेश और ग्वालियर ग्वालियर के हमारे भी लाखों लोग यहाँ आते हैं। मैं कामना करता हूँ कि इस बाबा के दरबार में जो भी आए हैं, जो मन्नतें लेके आए हैं, बाबा उनकी मन्नतें पूरी करें। मैं भी मन्नत लेके आया हूँ कि बाबा जब जन कल्याण के रास्ते पे जो हम चल रहे हैं उस रास्ते पे हम आपको आशीर्वाद दें, जिससे हम जनता के बीच अपना काम कर सकें, जनता की अपेक्षाओं पूरी कर पाएं। क्योंकि आदमी अपना कर्म करता है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमेशा हमारे महात्माओं की, हमारे सत्पुरुषों की आशीर्वाद होता है। तो मैं भी यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ कि बाबा आशीर्वाद दो, जिससे हम जनता के बीच अपना जो दायित्व है उसका निर्वाह कर सकें। Thank you.
क्या मेरी बात।